तो हेलो दोस्तों, आपका अगेन स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। और आज मैं लेके आया हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 63। दोस्तों, इससे पहले हम 62 पार्ट कवर कर चुके हैं और वहाँ पर हमने बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रामिंग के तगड़े तगड़े क्वेश्चन किए। हमने वहाँ पर ऑपरेटर से रिलेटेड, इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, लाइक हमने क्वेश्चन लाइक अ फैक्टर्स, फैक्टोरियल, परफेक्ट नंबर, स्ट्रोंग नंबर, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, फैक्टर्स, फैक्टर्स काउंट करना, इवन ओड नंबर, सीरीज, इवन सीरीज, ओड सीरीज, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जो हमारे इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं। तो आप जाइए चेकआउट कीजिए। और आज मैं लेके आया हूँ क्या, वीडियो नंबर 63। और आज हम देख रहे हैं राइट प्रोग्राम टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। हमें क्या करना है, दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, इनपुट में आप दो नंबर दोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा उसका एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों का, दो नंबर हम इनपुट में देंगे तो उनका कॉमन मल्टीपल क्या है हमें फाइंड करना है, वो क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लाइक हमने दो नंबर लिए 10 एंड 20, या हमने लिया 12 और 15, या हमने लिया 5 और। तो मुझे इन दोनों नंबर का क्या चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा। इसका भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसका, इन दोनों का भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो पहले मुझे पता होना चाहिए मल्टीपल क्या होते हैं। तो देखो, 10 के मल्टीपल क्या क्या रहेंगे, 10, 20, 30, 40, मीन्स जो भी 10 के टेबल में, सब क्या है 10 के मल्टीपल। 20 के मल्टीपल क्या क्या रहेंगे, 20, 40, 60, 80, ये सब क्या है 20 के मल्टीपल। और मुझे क्या चाहिए, दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों का मल्टीपल होना चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीपल कौन है, 20 का मल्टीपल 20 है और 10 का मल्टीपल क्या है 20। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन है 20, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, दोनों का 20। फिर दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है 20 है, यहाँ मैंने लिया 12 और 15। अब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो पहले इनके मल्टीपल क्या क्या होंगे, 12 का होगा 12, 24, 36, 48, 60 और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रहेंगे। 15 के मल्टीपल क्या क्या रहेंगे, 15, 13, 45, 60, 75, ठीक है, ये किसके मल्टीपल है 15 के। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए कॉमन मल्टीपल दोनों का और सबसे छोटा। तो दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन 60 और 60। देखो 60 12 का मल्टीपल है और 16 का 15 का मल्टीपल है, मतलब ऐसा नंबर जिसमें 60 में 12 से भी डिवाइड जाएगा और 15 से भी डिवाइड जाएगा। तो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा, आगे भी कॉमन मल्टीपल मिलेंगे बट लोएस्ट क्या है 60। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है 60। 5 और 10 का क्या होगा, आप खुद सोचो, 10 होगा। 10 10 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है और क्या है छोटा है एंड कॉमन मल्टीपल है। तो आप देखो, आप समझ गए होगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कि भाई दोनों का मल्टीपल हो, यानी ऐसा नंबर जिससे जिसमें 10 और 20 या 12 और 15 दोनों से डिवाइड जाए और वो सबसे पहले आता है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम में आप देख सकते हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, दोनों का मल्टीपल और कॉमन, सबसे बड़ा नंबर हो सकता है 20 हो सकता है, देखो यहाँ पे 20 है, या 20 से बड़ा होगा, क्या 20 से छोटा हो सकता है, क्या नहीं, यहाँ पर 15 हो सकता है, 15 से बड़ा हो सकता है क्योंकि दोनों का मल्टीपल है, तो 15 का मल्टीपल 15 से छोटा छोटा तो होगा नहीं। यहाँ पर 5 और 10 का कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 से बड़ा हो सकता है, मीन्स यहाँ पर कॉमन मल्टीपल जो भी हम निकालेंगे वो या तो दोनों नंबर में से बड़ा नंबर रहेगा या उससे कोई बड़ी वैल्यू, क्योंकि भाई अगर बड़े नंबर का मुझे मल्टीपल चाहिए तो या तो वो खुद रहेगा या उससे बड़ा रहेगा, तो 20 से छोटा तो चांस नहीं मेरा आंसर आ सकता है, मेरा आंसर क्या है 20। यहाँ पे 12 और 15 से छोटा तो मेरा आंसर आ ही नहीं सकता है, 15 से छोटा तो आ ही नहीं सकता है, तो क्या है 60। तो दोस्तों हमें सिंपली क्या करना है इस प्रोग्राम में, हमें दोनों नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है और उस बड़ा नंबर में क्या करना है भाई, दोनों से डिवाइड देकर देखना है और फिर उस बड़े नंबर को इंक्रीज करते जाना है और दोनों से डिवाइड देकर चेक करते जाना है। जब भी दोनों से डिवाइड चला गया तो वही हमारा क्या रहेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, इंप्लीमेंट करके बताता हूँ एंड एक्सप्लेन करता हूँ।
पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि 10 20 का एलसीएम क्या रहेगा 20, 12 15 का एलसीएम क्या रहेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा 60, 5 और 10 का क्या रहेगा 10, कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। तो देखो इनपुट में हमें क्या मिलेंगे, दो नंबर मिलेंगे, तो मैंने बोल दिया N1 और N2 बाय यूजर, कि यूजर से मुझे क्या लेना है, दो नंबर लेना है, तो एक N1 में स्टोर करूंगा, नंबर का स्टोर करूंगा N2 में, लाइक आपने हम लिया 12 और क्या ले लिया 15 ले लिया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एलसीएम क्या आना चाहिए 60 क्या है, दोनों का मल्टीपल है, यानी 12 से भी 60 में डिवाइड जाता है और 50 से भी 60 में डिवाइड जाता है। मल्टीपल वो नंबर से होते हैं जिनमें डिवाइड जाए किन इन नंबर्स से, और दोनों का कॉमन क्या है तो 60 है, तो ये हमारा प्रोग्राम 60 कैसे निकालेगा, मैंने बोला सबसे पहले आप क्या निकाल लो, मैक्स निकाल लो, मैक्स यानी दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, क्योंकि उसी के आगे हम चेक करेंगे कौन सा एलसीएम होगा इन दोनों नंबर का, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उससे छोटा तो एलसीएम हो ही नहीं सकता, जो भी बड़ा नंबर रहेगा दोनों से उससे बड़ी वैल्यू कोई सी हमारी क्या रहेगी, एलसीएम रहेगी, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा। तो मैक्स वैल्यू कैसे निकाला, मैं निकाल रहा हूं अगर N1 बड़ा है N2 से तो क्वेश्चन मार्क N1 आ जाए मैक्स में, वरना कोलन के बाद N2 आ जाए, ये क्या है टर्नरी ऑपरेटर है, मैंने सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, एक लाइन में N1 और N2 में से बड़ा नंबर निकाल के मैक्स में असाइन किया है, आप चाहो तो इफ एल्स का यूज करके भी मैक्स में बड़ा नंबर असाइन कर सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जो एक कंडीशन लिखी रहती है, ये अगर ट्रू है, अगर N1 N2 से बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू मैक्स में असाइन हो जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो N2 क्या हो जाएगा मैक्स में असाइन हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, एक व्हाइल लूप ले रहा हूं और एक सेकेंड मैंने क्या लिया व्हाइल लूप लिया और मैंने यहां पर लिख दिया 1, ये व्हाइल लूप चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। कैसे चलेगा, देखो मैंने बोला इफ मैक्स यानी इस पे जो भी नंबर आएगा, मान लो इसमें क्या आएगा दोनों से बड़ा नंबर 15, तो मैं देखूंगा अगर मैक्स में N1 से मॉड्यूलस लेने पे 0 आ जाए, यानी मैक्स में N1 से भी डिवाइड जा रहा है, एंड लॉजिकल एंड या आप एंड लिख सकते हो पाइथन में, और यहां पर लॉजिकल एंड लिखेंगे, मैक्स में N2 से डिवाइड करने पे भी क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो, मतलब मैक्स अगर N1 से भी डिवाइड जा रहा हो N2 से भी जा रहा हो, तो मैक्स ही क्या है हमारा कॉमन मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इफ चलेगा हम प्रिंट करेंगे इसको मैक्स को और क्या कर देंगे इस लूप को ब्रेक कर देंगे, और अगर इफ नहीं चला तो इस लूप के अंदर मैक्स को क्या करेंगे हम प्लस प्लस करेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखो मान लो आपका 12 और 15 है, तो मैंने क्या बोला भाई कि पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा एलसीएम हो क्या सकता है, भाई या तो बड़ा नंबर हो सकता है या उससे बड़ा नंबर कोई सा भी हो सकता है, या तो हमारा सबसे बड़ा नंबर हो सकता है दोनों में जो बड़ा नंबर है, या फिर उससे बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने पहले मैक्स में दोनों में से क्या निकाल लिया, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या व्हाइल लूप को चला दिया इनफाइनाइट टाइम से, ये चलता ही रहेगा जब तक ब्रेक नहीं होगा, और जैसे ब्रेक होगा व्हाइल लूप से कहाँ चले आएंगे बाहर, क्योंकि भाई हमारा मैक्स में जो भी नंबर आएगा 15 आया, 15 से बड़ा कुछ भी हमारा हो सकता है क्या एलसीएम, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, मीन्स ऐसा नंबर जिसमें 12 से भी डिवाइड जाता हो और 15 से भी डिवाइड जाता हो, और सबसे पहले ऐसा जो भी नंबर मिलेगा जिसमें 12 और 15 दोनों से डिवाइड जाता है वही हमारा क्या रहेगा एलसीएम रहेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर आया मैं और यहाँ पे क्या चेक किया, मैक्स यानी क्या 15 और यहाँ पे क्या आएगा 15। अब हम डिवाइड किससे दे रहे हैं, यहाँ पे N1 यानी 12 से और यहाँ पे किससे दे रहे हैं 15 से, तो क्या 15 से 12 से 15 डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, क्या 15 से आएगा क्या, हाँ जाएगा, बट लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो जो हमारा 15 आया 15 में दोनों से डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, तो इफ नहीं चलेगा तो कौन चलेगा मैक्स प्लस प्लस, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 से 16, क्या 16 में दोनों से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, फिर मैक्स से 17 होगा, क्या 17 में 12 और 15 से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, फिर मैक्स से क्या होगा 17 से 18 होगा, 19 होगा, 20, 21, 23, 24 और ऐसे बढ़ता ही रहेगा, और जब भी 12 से भी और 15 से भी दोनों से मैक्स में डिवाइड हो गया तो वो हमारा क्या रहेगा एलसीएम रहेगा।
तो ऐसे ही क्या होगा 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, ऐसे करते करते इसकी वैल्यू क्या वाइल लूप पे चलता ही रहेगा। मैक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या होगी, एक बार 60 होगी, क्या होगी 60, 60। और जैसे ही यहाँ पे 60 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 60 आएगा, तो देखो 60 में 12 से भी डिवाइड चला आएगा और 15 से भी चला आएगा। तो जैसे ही ऐसा नंबर आएगा जिस नंबर में 12 और 15 यानी इन दोनों नंबर से डिवाइड जाता हूँ, तो वो क्या रहेगा 60, दोनों का मल्टीपल। और सबसे पहले ऐसा नंबर मिला है मुझे, तो क्या है लोएस्ट भी है, तो ये क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और जैसे ही 60 आएगा इफ चलेगा और हम प्रिंट किसको कर देंगे मैक्स को, मैक्स वन किसको 60 को, तो हमारा 12 और 15 का एलसीएम क्या प्रिंट हो जाएगा 60। और उसके बाद जैसे ब्रेक होगा हम व्हाइल लूप से कहां चलेंगे बाहर। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लो, मान लो आपने यहाँ पे क्या ले लिया होता, यहाँ पर आपने ले लिया होता टेन और फिफ्टीन, तो टेन और फिफ्टीन का एलसीएम क्या होता है भाई, ऐसा नंबर जिसमें दोनों से डिवाइड जाता हूं, तो क्या होगा 30, 30 टेन का भी मल्टीपल है और 15 का भी, और क्या लोएस्ट है। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा 50, फिर यहाँ पर 15 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम 15 में 10 से भी डिवाइड देंगे और किससे डिवाइड देंगे 15 से देंगे, तो 15 में 10 से डिवाइड जाएगा क्या नहीं, 15 से आएगा क्या हाँ, बट लॉजिकल एंड क्या बोलता है जब 10 और 15 दोनों से डिवाइड जाएगा तभी मैं इफ चलेगा, तभी प्रिंट क्या करेगा मैक्स करेगा और ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर अभी 15 आया है क्योंकि मैंने दोनों में से क्या निकाला है छोटा नंबर, तो 15 में दोनों से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इफ नहीं चलेगा मैक्स क्या होगा बढ़ेगा, मैक्स की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, फिर 17 होगी, और 17 होगी 18 होगी 19 होगी 20 होगी, और सबसे हम चेक करते रहेंगे 10 और 15 दोनों से डिवाइड जाएगा क्या नहीं, तो ऐसे करते करते क्या आएगा 13 आएगा, क्या आएगा 30। जैसे ही 30 आएगा यानी 30 आएगा, ये मैक्स से बढ़ता रहेगा एक से, जैसे ही 30 आएगा 30 में 10 से भी डिवाइड जाएगा और 15 से भी जाएगा, तो भाई दोनों से जाएगा, तो एंड बीच में ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, तो इफ चलेगा और प्रिंट क्या करेगा मैक्स, किसको प्रिंट करेगा 30 को, तो जैसे ही 30 प्रिंट होगा ये ब्रेक हो जाएगा, हम कहाँ चले जाएंगे बाहर, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा 30। और 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल मीन्स दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों से डिवाइड जाना चाहिए, सबसे छोटी संख्या, तो 30 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें 10 और 15 दोनों से डिवाइड जाए। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट करवाएगा 30, और ये हमारा प्रोग्राम क्या निकाल देगा, ये हमारा प्रोग्राम निकाल देगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो प्लीज इसको एक बार रिपीट करना, वैसे सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आप पहली बार देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप इसको नहीं बना पाओगे, तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को रिपीट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है और हमारा कैसे ये लॉजिक एलसीएम निकाल के दे रहा है, कितने नंबर्स का 2 नंबर्स का। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सी पाइथन एंड जावा में। सो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और आपको अगर किसी और प्रोग्राम पर वीडियो बनवाना है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी आपको क्या करूंगा वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूंगा। सो दोस्तों हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जीटीपी ओपन करके रखा है, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने सी का प्रोग्राम ओपन करके रखा है। तो जैसे मैंने आपको समझाया सबसे पहले क्या करना है, इंटर टू नंबर्स परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी, और हम क्या करेंगे दो नंबर्स लेंगे एन वन एन टू पर स्टोर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे दोनों में से मैक्स नंबर निकाल लेंगे और वो मैक्स हम स्टोर कर देंगे। अब दोनों की मैक्स वैल्यू मिल जाएगी, अब या तो एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो मैक्स वैल्यू होगी, तो हम चेक कर यहाँ पर व्हाइल लूप को इनफाइनाइट टाइम से रन करते हैं हम, ठीक है हम चेक करते हैं कि अगर एन वन द्वारा मैक्स में प्रॉपर डिवाइड जा रहा हो और मैक्स में एन टू द्वारा भी प्रॉपर डिवाइड जा रहा हो, बीच में लॉजिकल एंड क्यों लगाया हमने, बिकॉज दोनों एन वन एन टू द्वारा अगर मैक्स में डिवाइड जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या प्रिंट करवा देंगे मैक्स को, और क्या कर देंगे इस व्हाइल लूप को ब्रेक, कि यही हमारा क्या है एलसीएम है, पर अगर नहीं गया तो हम मैक्स को प्लस प्लस करेंगे और व्हाइल लूप तो चलता रहेगा, अगेन इस मैक्स को n1 n2 से चेक करेंगे, अगर अभी मैक्स में जो वैल्यू आई वो अगर n1 n2 दोनों से डिवाइड चली गई तो फिर वो डिस्प्ले हो जाएगा कि यही एलसीएम है, नहीं हुआ तो मैक्स बढ़ता रहेगा, और ऐसे मैक्स कब तक बढ़ता रहेगा जब तक मैक्स में ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो n1 n2 दोनों से डिविजिबल हो,
और अगर ऐसी वैल्यू आ गई तो वही क्या रहेगा, एन वन इन टू का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब भी आएगी तब ये इफ रन होगा, और इफ रन हुआ तो ये डिस्प्ले करेगा किसको, मैक्स को, और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फाइल से कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। सो मैंने इसको रन किया, यहाँ मैं लाने दे दिया 50 एंड 20, तो इसका एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 60, तो इसने क्या दे दिया 60। और आप इसको ड्राई रन करना, और कोई प्रॉब्लम आया तो मेरे से मुझे एक मैसेज करना। इसी प्रकार मैंने इसको बना के रखा है, किसमें इसी बार इसको बना के रखा है पाइथन में और जावा में। तो यहाँ पे पाइथन में है, पाइथन में भी सेम है, वही लॉजिक लिखना है, थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है, तो पाइथन में भी पूरा सेम है, कुछ नया लॉजिक नहीं लिखना है, तो ये पाइथन में ओपन हो गया। यहाँ पर यूजर्स वैल्यू लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज किया जाता है, ये आपको पता ही होगा अगर बहुत दिनों से आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो। मैंने दो वैल्यूज ले ली, फिर मैंने मैक्स वन में क्या निकाल लिया, मैक्स वैल्यू निकाल ली। इसके लिए मैंने सॉर्ट एंड इफ एल्स का यूज किया है कि एन वन मैक्स में चलाया है इफ अगर एन वन एन टू से बड़ा हो तो, और अगर नहीं हो तो एल्स एन टू किस में चलाया, मैक्स में चलाया। ऐसे मैक्स वन मुझे मैक्स वैल्यू मिल जाएगी, फिर मैंने व्हाइल लूप को ट्रू कर दिया, ये चलता रहेगा कब तक, जब तक ये ब्रेक ना हो जाता। और ब्रेक कब होगा, ये इफ मैक्स वन में एन वन से डिवाइड चला जाए और मैक्स वन में एन टू से भी डिवाइड चला जाए, जब भी जाएगा तब ये इफ चलेगा और उसी मैक्स वन को एलसीएम प्रिंट कर देगा और ब्रेक हो जाएगा, वरना तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा और मैक्स में क्या होता रहेगा, मैक्स वन प्लस वन, मैक्स की वैल्यू वन वन से इंक्रीज होती रहेगी। इसको रन करके दिखा देता हूँ, इसमें मैं ले रहा हूँ 15 एंड 20, तो क्या दिया इसने 60। और दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हो तो उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के देगा। इसी प्रकार मैंने जावा में बना के रखा है, तो ये जावा का है, और जावा में अगर आपने सी में देखा तो एज इट इज पूरा सेम टू सेम। मैक्स में ये यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज किया है। नेक्स्ट इन द मेथड है जो यूजर से वैल्यू लेती है इंटीजर, एंड व्हाइल लूप क्या करेगा, ट्रू चलता रहेगा। मैक्स में मैंने यहाँ मैक्स भी निकाल लिया है, और एज इट इज पूरा सी जैसा कि जैसे ही दो मैक्स में एन वन लॉजिकल एंड एन टू दोनों से अगर डिवाइड जा रहा है तो वो मैक्स की वैल्यू ही क्या रहेगी, हमारा एलसीएम रहेगी, और हम इसको ब्रेक कर देंगे व्हाइल लूप को, वरना इफ नहीं चला तो मैक्स प्लस प्लस होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक मैक्स में ऐसी वैल्यू नहीं आ जाती है जो एन वन एन टू दोनों से डिवाइड हो। तो देखो इसको रन करके देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक 20 दिया है और एक दे दिया मैंने 50, तो इसने क्या बोल दिया एलसीएम 20 एंड 50 60। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और इससे आगे वीडियो आती रहेगी जो उसमें बहुत लॉजिकल प्रोग्रामिंग के तड़े तड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू दोस्तों।